अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक है कंपैरेटिव एनालिसिस ऑफ पाकिस्तान कॉन्स्टिट्यूशंस। आज की इस वीडियो में हम पाकिस्तान के तीनों कॉन्स्टिट्यूशंस का कंपैरिजन करेंगे कि जो 1956 का कॉन्स्टिट्यूशन था, 1962 का कॉन्स्टिट्यूशन एंड नाउ करंट कॉन्स्टिट्यूशन 1973 का, इन तीनों में डिफरेंस क्या है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फॉर पाकिस्तान अफेयर्स, पाकिस्तान स्टडीज़, पोलिटिकल साइंस एंड फॉर जनरल नॉलेज। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। सो अब हम डिस्कस करेंगे आज की वीडियो में कि तीनों कॉन्स्टिट्यूशंस में क्या की डिफरेंसेस क्या हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, वैसे तो तीनों हमारे कॉन्स्टिट्यूशंस रिटन कॉन्स्टिट्यूशन हैं। तो 1956 का कॉन्स्टिट्यूशन भी रिटन कॉन्स्टिट्यूशन था, 1962 का कॉन्स्टिट्यूशन भी रिटन कॉन्स्टिट्यूशन था और 1973 का कॉन्स्टिट्यूशन भी रिटन है। हम इनके डिफरेंस को डिटेल में डिस्कस करेंगे। फर्स्ट तो ये है कि 1956 के कॉन्स्टिट्यूशन में टोटल 234 आर्टिकल्स थे, 13 पार्ट्स थे एंड 6 स्केड्यूल्स। एक्चुअली कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट्स होते हैं, उन पार्ट्स के अंदर डिफरेंट चैप्टर्स हैं और चैप्टर्स के अंदर आर्टिकल्स को मेंशन किया गया है और स्केड्यूल्स में अलग से उन चीज़ों की डिटेल बताई गई है जिनकी आर्टिकल में डिटेल नहीं बताई गई। मीन्स आर्टिकल में जस्ट मेंशन है कि सदरे पाकिस्तान ओथ लेंगे, जैसे गवर्नर से ओथ लेंगे या पीएम से ओथ लेंगे, लेकिन उस के क्या वर्ड्स होंगे और कैसे ओथ लिया जाएगा वो सब कुछ स्केड्यूल्स में मेंशन है। मींस डिटेल ज़्यादा से ज़्यादा जो है आर्टिकल्स के बारे में वो स्केड्यूल में मेंशन की गई है। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1956 में 234 आर्टिकल्स थे, 13 पार्ट्स एंड 6 स्केड्यूल्स। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1962 में 250 आर्टिकल्स, 12 पार्ट्स एंड 5 स्केड्यूल्स थे। एंड कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1973 में करंट अभी 280 आर्टिकल्स हैं, 12 पार्ट्स एंड 7 स्केड्यूल्स थे, लेकिन अमेंडमेंट 18th अमेंडमेंट के बाद ये 7 स्केड्यूल्स 5 स्केड्यूल्स में कन्वर्ट हो गए, 5 स्केड्यूल्स कर दिए गए। उसके बाद है नेम ऑफ कंट्री। 1956 के कॉन्स्टिट्यूशन में पाकिस्तान का नाम इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान था। 1962 के कॉन्स्टिट्यूशन में हमारी कंट्री का नेम डेमोक्रेटिक इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान था। एंड नाउ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1973 में हमारे कंट्री का नाम इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान ही है। अगर फेडरल सिस्टम की बात करें, ये गवर्नमेंट का सिस्टम है, फेडरल सिस्टम। जैसे डिफरेंट फेडरल स्टेट्स हैं या कॉन्फेडरेशंस हैं या यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है डिफरेंट कंट्रीज़ में, तो हमारी कंट्री में फेडरल सिस्टम था 1956 के कॉन्स्टिट्यूशन में, 62 में भी एंड 73 में भी। यानी सेंटर और उसके बाद प्रोविंसेस बनाए गए डिफरेंट। कुछ कंट्रीज़ में उन प्रोविंसेस को स्टेट कहते हैं, जैसे इंडिया और यूएसए में उनको प्रोविंसेस नहीं बल्कि स्टेट बोला जाता है, हमारे कंट्री में प्रोविंस बोला जाता है। तो कोई भी एंटिटी हो सकती है सेंटर के बाद। तो फेडरल सिस्टम में एक सेंटर होता है और प्रोविंसेस होंगे, तो हमारे तीनों कॉन्स्टिट्यूशन ने इसी तरह का सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट हमें दिया है। अब अगर हम फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट की बात करें, तो फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट दो तरह से हो सकता है, या तो पार्लियामेंट्री या फिर प्रेजिडेंशियल। 1956 के कॉन्स्टिट्यूशन में हमारा कंट्री पार्लियामेंट्री था, फिर प्रेजिडेंशियल हुआ 1962 में सदर अयूब के दौर में, एंड देन अब हमारा कंट्री फिर से पार्लियामेंट्री है। पार्लियामेंट्री और प्रेजिडेंशियल में बेसिक डिफरेंस यही है कि पार्लियामेंट्री में प्राइम मिनिस्टर पावरफुल होते हैं और प्रेजिडेंशियल सिस्टम में प्रेजिडेंट के पास ज़्यादा पावर्स होती हैं कंट्री में, अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन। नेचर ऑफ लेजिस्लेचर की है, लेजिस्लेचर किसे कहते हैं, जहाँ पर लेजिस्लेशन की जाती है कंट्री के लिए, डिफरेंट लॉज बनाए जाते हैं, तो वो पार्लियामेंट ही होता है। तो पार्लियामेंट के दो हाउसेज हैं, लोअर हाउस एंड अपर हाउस, नेशनल असेंबली एंड सेनेट, ये दो हाउसेज होते हैं अगर वो बाईकैमरल हो। लेकिन अगर वो यूनिकैमरल हो तो फिर एक ही हाउस होता है और वो होता है नेशनल असेंबली। तो पाकिस्तान के फर्स्ट एंड सेकंड कॉन्स्टिट्यूशन में हमारा जो पार्लियामेंट था वो यूनिकैमरल था, बट अब हमारा कंट्री का जो लेजिस्लेचर है, जो पार्लियामेंट है, वो बाईकैमरल है। एक अपर हाउस है, एक लोअर हाउस है। अपर हाउस को सेनेट कहते हैं और लोअर हाउस को नेशनल असेंबली। पहले के कॉन्स्टिट्यूशन में यूनिकैमरल था और दोनों के दोनों को नेशनल असेंबली कहा जाता था, बिकॉज जस्ट लोअर हाउस ही मौजूद थे। उसके बाद है, अगर हम देखें कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में इस्लामिक प्रोविजंस क्या थी, इस्लामिक प्रोविजंस को शामिल किया गया या नहीं, तो इसमें कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1956 में इनकॉर्पोरेट किया गया था इस्लामिक प्रोविजंस को, लेकिन 1962 के कॉन्स्टिट्यूशन में भी इनकॉर्पोरेट किया गया, लेकिन वो बाइंडिंग नहीं थी। मतलब इतनी स्ट्रिक्टनेस नहीं थी कोई भी उनको फॉलो करने के लिए या उनको मानने के लिए। बट कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1973 इस हवाले से बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट है, कोई भी लॉ विदाउट इस्लामिक प्रोविजंस के हम नहीं बना सकते। जो भी इस्लामिक प्रोविजंस के अगेंस्ट होगा लॉ, वो नहीं बनेगा, बिकॉज इस्लामिक
इनको देखने के लिए, इनको चेक एंड बैलेंस रखने के लिए डिफरेंट इस्लामिक इंस्टीट्यूशंस भी बनाए गए हैं जिनको हम नेक्स्ट डिस्कस करेंगे। और इस्लामिक प्रोविजंस के बारे में हमने सेलियंट फीचर्स हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किए थे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1973 के, तो उसमें हमने इस्लामिक प्रोविजंस को डिटेल से डिस्कस किया था। ओके, नेक्स्ट है बेस ऑफ प्रीएम्बल। तो अगर हम देखें कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसका प्रीएम्बल 1956 में भी ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन था, 1962 में भी हमारा प्रीएम्बल कॉन्स्टिट्यूशन का, 1962 के कॉन्स्टिट्यूशन में भी ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन 1949 को ही प्रीएम्बल रखा गया हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का, और 1973 में भी ऐसा ही किया गया, बट 1973 के कॉन्स्टिट्यूशन में फिर अमेंडमेंट करके ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन को कॉन्स्टिट्यूशन का ही सब्सटेंटिव पार्ट बना दिया गया, जो कि आर्टिकल 2A का पार्ट है ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन। अब प्रीएम्बल नहीं है ये कॉन्स्टिट्यूशन का, बल्कि उसका सब्सटेंटिव पार्ट ही कहा जाता है ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन को। नेक्स्ट आर फंडामेंटल राइट्स। फंडामेंटल राइट्स क्या होते हैं? फंडामेंटल राइट्स वो राइट्स हैं जो सिटीजन्स को दिए जाते हैं, जैसे राइट टू एजुकेशन है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 25A, ये कहता है कि तमाम बच्चों को जो है वो एजुकेशन दी जाएगी। इसी तरह से मतलब फंडामेंटल राइट्स सिटीजन्स को दिए जाते हैं। तो 1956 के कॉन्स्टिट्यूशन में राइट्स को प्रोवाइड किया गया था, 1962 के कॉन्स्टिट्यूशन में, ये इंपॉर्टेंट बात है कि 1962 के कॉन्स्टिट्यूशन में इनिशियली फंडामेंटल राइट्स सिटीजन्स को नहीं दिए गए, जो कि प्रेसिडेंट अयूब ने बनाया था। तो उसके बाद, लेकिन बाद में अमेंडमेंट के थ्रू ये फंडामेंटल राइट्स को इंक्लूड कर दिया गया कॉन्स्टिट्यूशन में। 1973 का कॉन्स्टिट्यूशन उसका पार्ट टू चैप्टर 1 आर्टिकल 8 से आर्टिकल 28 तक तमाम फंडामेंटल राइट्स को वन बाय वन डिस्कस किया गया है कि राइट टू इंफॉर्मेशन, राइट टू प्रॉपर्टी, राइट टू एजुकेशन, एवरी राइट जो है वो उसके बारे में, फंडामेंटल राइट के बारे में बात की गई है जो सिटीजन्स के पास है। नेक्स्ट है प्रिंसिपल्स ऑफ पॉलिसी। प्रिंसिपल्स ऑफ पॉलिसी एक तरह से सोशियो इकोनॉमिक राइट्स होते हैं, जिस तरह से फंडामेंटल राइट्स हैं इसी तरह से प्रिंसिपल्स ऑफ पॉलिसी भी हैं, जिनके बारे में कंप्लीटली डिस्कशन की गई है पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन में भी। फंडामेंटल राइट वाले पार्ट टू में ही प्रिंसिपल्स ऑफ पॉलिसी को भी डिस्कस किया गया है। आर्टिकल 28 से नेक्स्ट प्रिंसिपल ऑफ पॉलिसी को 40 आर्टिकल डिस्कशन की गई है 1973 के कॉन्स्टिट्यूशन में। तो तीनों कॉन्स्टिट्यूशन में प्रिंसिपल्स ऑफ पॉलिसी को डिस्क्राइब किया गया है क्लियरली कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर। नेक्स्ट आर एमरजेंसी प्रोविजंस। तो एमरजेंसी प्रोविजंस होती क्या हैं? वो प्रोविजंस अगर कंट्री में कोई भी एमरजेंसी हो, जैसे नेशनल एमरजेंसी कोई भी हो, या फिर फिनेंशियल एमरजेंसी हो, या प्रोविंस की कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी फेल हो रही हो, तो उस टाइम पे इनकॉर्पोरेट किया जाता है। उस टाइम तो उनको कॉन्स्टिट्यूशन में 1956 में भी इनकॉर्पोरेट किया गया, 1962 में भी इनकॉर्पोरेट किया गया, वही एमरजेंसी प्रोविजन 1973 में भी रखी गई, लेकिन प्रेसिडेंट को ऑथराइज कर दिया गया कि जस्ट प्रेसिडेंट के पास ये पार है, ये उसका फंक्शन है कि सिर्फ वही एमरजेंसी लगा सकता है कंट्री में और कोई भी नहीं लगा सकता। नेक्स्ट आर लिस्ट ऑफ सब्जेक्ट्स के कौन कौन से लिस्ट में किस, जैसे अगर कंट्री में किसी कहीं पे भी लेजिस्लेशन करनी है तो उसका तमाम कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन होता है। तो 1956 के कॉन्स्टिट्यूशन में 3 लिस्ट बनाई गई, फेडरल लिस्ट, प्रोविंशियल लिस्ट और कंकरेंट लिस्ट। फेडरल लिस्ट में फेडरल जिन पर लेजिस्लेशन कर सकता है उन सब्जेक्ट्स को मेंशन किया गया, प्रोविंशियल लिस्ट में प्रोविंस जिन पर लेजिस्लेशन कर सकता है उनको मेंशन किया गया, और कंकरेंट लिस्ट में बाकी की रखी गई जिन पर दोनों फेडरल भी और प्रोविंशियल दोनों ही लेजिस्लेशन कर सकते थे। बट 1962 के कॉन्स्टिट्यूशन में लिस्ट को कम करके सिर्फ 2 लिस्ट बना देंगी, एक सेंट्रल और प्रोविंशियल, और जो बाकी की बच जाते थे सब्जेक्ट उनकी सोल पार सेंटर को दे दी गई कि सिर्फ सेंटर ही उन पर लेजिस्लेशन करेगा। जिस तरह से अब हमारे सेंट्रल असेंबली अलग से है, नेशनल असेंबली और प्रोविंशियल असेंबलीज अलग से हैं, तो दोनों के अलग से अलग सब्जेक्ट होने चाहिए ना। जैसे प्रोविंस कर सकता है लेजिस्लेशन एजुकेशन पे, अब सारी की सारी 18th अमेंडमेंट के बाद लेजिस्लेशन प्रोविंसेस के पास है। तो ये इस तरह से लिस्ट थी। अब अगर हम 1973 के कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें तो 2 लिस्ट हैं अब हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, फेडरल लिस्ट और कंकरेंट लिस्ट। फेडरल लिस्ट के सारी पार इन सब्जेक्ट की सारी पार फेडरल के पास है, और कंकरेंट में दोनों के पास आ जाती हैं, और जो रेजिटरी पार्स हैं वो सारी की सारी प्रोविंसेस के पास हैं। बाकी जितने भी सब्जेक्ट बच जाते हैं वो सारी की सारी पावर्स प्रोविंस को दे दी गई हैं। इस्लामिक इंस्टीट्यूशन, जैसे हमने लास्ट पेज पे ही डिस्कस किया कि 1956 के कॉन्स्टिट्यूशन में कोई भी इस्लामिक कॉन्स्टिट्यूशन नहीं था, 1962 में दो बनाई गई इंस्टीट्यूशन, एडवाइजरी काउंसिल ऑफ इस्लामिक आइडियोलॉजी और इस्लामिक रिसर्च इंस्टीट्यूट। और 1973 के कॉन्स्टिट्यूशन में काउंसिल ऑफ इस्लामिक आइडियोलॉजी जो कि कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, एंड एज वेल एज फेडरल शरीयत कोर्ट जो कि इस देखता है, ये इन पे नज़र रखता है। काउंसिल ऑफ इस्लामिक आइडियोलॉजी एक बॉडी जो नज़र रखती है कि किस तरह से पार्लियामेंट जो लॉज बना रहा है वो अकॉर्डिंग टू इस्लाम है या नहीं है। लास्ट वंस आर एग्जीक्यूटिव पावर्स। तो मोस्ट पावर्स पार्लियामेंट्री सिस्टम, जैसे पहले ही हमने कहा कि पार्लियामेंट्री सिस्टम में सारी पावर्स किसके पास होंगी? प्राइम मिनिस्टर के पास। तो 1956 का कॉन्स्टिट्यूशन में फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट क्या था? पार्लियामेंट्री।
तो सारी पावर्स किसके पास थी? प्राइम मिनिस्टर के पास। इसी तरह से 1962 के कॉन्स्टिट्यूशन में सारी पावर्स थी प्रेसिडेंट के पास। 1973 के कॉन्स्टिट्यूशन में तमाम एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी प्राइम मिनिस्टर के पास है। तो ये कुछ डिफरेंसेस थे जो तीनों कॉन्स्टिट्यूशन के हैं, 1956, 1962 और 1973। तो नेक्स्ट वीडियो में हम किसी और टॉपिक पे बात करेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।